अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस्लामियात का काम करेंगे। आप इसका चैप्टर जो है आपको बताती हूँ, सच्चाई। देखें इसका पेज नंबर है सच्चाई का 27। सच्चाई पेज नंबर है 27। ओपन करें। अब हम इसकी सबसे पहले रीडिंग करते हैं। स्वाद है ये है सही और दार रे सीन दुरुस बेल बाते बात करना सीन चिलिफ चा हमजा छोटी इस सच्चाई काफी कहला मलिफला तेलिफता कहलाता है। सही और दुरुस्त बात करना सच्चाई कहलाता है। सच बोलना अलिफ छे छोटी के छी अच्छी एन अलिफ आ डालते दा आदत ही नहीं नून ये कब छोटी की नेकी भी है। सच बोलना अच्छी आदत ही नहीं नेकी भी है। सीन चे बुड़िए चे सच्चे अलिमंदा दाल मीम छोटिये मी आदमी सच्चे आदमी की हर जगह इज्जत होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, इसी वजह से लोग इन्हें सौदल सादल के कफदक सादक के नाम से पे कफलकार रे ते बड़िए ते पुकारते थे। सच्चाई के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमेशा सच बोलो, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है, जबकि झूठ बदी की तरफ ले जाता है और बदी दालवदोज खेज़ख दोज़ख में ले जाती है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है अल्लाह के नून से नज दाल ये काफ नज़दीक इसका शीन मलफमार शुमार सीन चिबड़िए चे सच्चे लोगों में होता है। और जो इंसान मीम तीन लाव सी लमसल मुसलसल झूठ झूठ बोलता है अल्लाह की नज़र में झूठा होता है। सच्चाई नून ये काफ ये वायो नून गुन्ना नेकियों का सीन रेसर चेशिन चश्मीम है माँ चश्मा और जीवा झूठ झूठ तमाम बराइयों की जड़ है। सच्चाई नेकियों का सर चश्मा और झूठ तमाम बराइयों की जड़ है। तमाम बराइयां झूठ बोलने ही से पैदा होती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और आप सल्लम की जे नून जिन दाल का छुटिए की जिंदगी ही हमारे लिए बेहतरीन नून मिमून उन्हें नमूना है, इस लिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से अल्लाह हमसे खुश होगा और हम दुनिया और अलमदा खैर तेरत आखरत में काफिलफ कामीम ये लिफजा बेकामयाब होंगे और हम दुनिया और आखरत में कामयाब होंगे। स्टूडेंट आपने यहाँ पे काव और डेट डालनी है और यहाँ पे पढ़ाई की हेडिंग देनी है और आपने इस सबक को 2 से 3 टाइम्स की रीडिंग करनी है।